भाइयों और बहनों, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ आंखों को अच्छा लगने के लिए नहीं होता, ये जीवन को आसान बनाने वाला होता है, ये सपनों को साकार करने का रास्ता बनाता है। आज हमारे यहां अच्छी सड़कें नहीं थी, अच्छे अस्पताल नहीं थे, हर वर्ग हर आयु के लोगों को कितनी परेशानी होती थी, लेकिन आज जब नए भारत में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है तो सभी को इसका लाभ मिल रहा है। अच्छी सड़कों से स्कूल कॉलेज जाने वाले युवाओं को आसान होती है, आधुनिक हाईवे से किसानों को, मजदूरों को, व्यापार करने बिजनेस वालों को, दफ्तर आने वाले लोगों को, मिडिल क्लास को, हर किसी को लाभ होता है। इसलिए हर कोई अच्छा आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहता है और मुझे खुशी है कि बीते 9 वर्षों से देश लगातार अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने के लिए निरंतर काम कर रहा है। पिछले 9 वर्ष में देश के गांवों में पीएम सड़क योजना के माध्यम से सड़कों का नेटवर्क 2 गुना से अधिक हो चुका है। नेशनल हाईवे नेटवर्क में 55% से अधिक वृद्धि हो चुकी है। सिर्फ सड़क ही नहीं बल्कि देश में आज एयरपोर्ट और रेलवे का भी अभूतपूर्व विस्तार हो रहा है। पिछले 9 वर्ष में देश में एयरपोर्ट्स की संख्या 2 गुनी से अधिक हो चुकी है। साथियों, साल 2014 से पहले देश में इंटरनेट की, भारत की डिजिटल ताकत की चर्चा बहुत कम होती थी, लेकिन आज भारत दुनिया की सबसे ताकतवर डिजिटल इकोनॉमी में से एक है। ये इसलिए हुआ क्योंकि हमने सस्ता इंटरनेट उपलब्ध कराया, गांव गांव इंटरनेट पहुंचाया। पिछले 9 वर्षों में हर दिन औसतन 2.5 लाख ब्रॉडबैंड कनेक्शन दिए गए हैं, प्रतिदिन 2.5 लाख कनेक्शन। इंफ्रा के विकास में ये गति इसलिए आ रही है क्योंकि आज देश और देशवासियों की जरूरत के अनुसार इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। पहले राजनीतिक लाभ हानि देखकर ही रेल रोड ऐसे प्रोजेक्ट्स की घोषणा होती थी। हम पूरे देश के लिए पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान लेकर आए हैं ताकि जहां जहां भी देश में जरूरत है वहां तेज गति से इंफ्रास्ट्रक्चर बन सके। साथियों, आज देश में सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी अभूतपूर्व काम हो रहा है। साल 2014 तक देश की एक बड़ी आबादी के पास पक्का घर नहीं था। टॉयलेट के अभाव के कारण हमारी बहनों को कितने कष्ट उठाने पड़ते थे। लकड़ी पानी के इंतजाम में ही बहनों का पूरा समय चला जाता था। गरीब के लिए अस्पताल की कमी थी, अस्पताल में इलाज महंगा था। हमने एक एक करके इन समस्याओं का समाधान किया। गरीब को अपना पक्का घर मिला, बिजली गैस कनेक्शन मिला, टॉयलेट मिला, अब हर घर नल से जल की सुविधा मिल रही है। घर गांव के निकट अच्छे अस्पताल बन रहे हैं,
अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी बन रही है, यानी आज हम अपने युवाओं को हर वो साधन दे रहे हैं जो आने वाले 25 साल के संकल्प सिद्ध करने में उनकी मदद करेंगे।